जंग एक ऐसी अजीब चीज है जो किसी ऐसी जगह के लिए भी लड़ी जा सकती है जहां इंसान का जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो। जी हाँ, दुनिया के सबसे बुलंद और सबसे खतरनाक मैदानी जंग का नाम है सियाचिन। इतिहास की जरा सी चूक ने भारत की सीमा से लगे एक बर्फीले और दूर दराज इलाके को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उन भारतीय सैनिकों की जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर ऑपरेशन मेघदूत को कामयाब बनाया था। हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर को पृथ्वी पर सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के साथ साथ अध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे लंबे हिमनद के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम में साल्टोरो रिज और पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रृंखला से लगे चीनी प्रांत शिंगजियांग उइगर स्वात क्षेत्र के करीब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके के पास एक तिराहे पर स्थित है। ये हिमनद नक्शे में एक निर्देशांक पॉइंट से शुरू होता है जिसे NJ9842 कहा जाता है। NJ9842 उत्तर भारत में और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा का सबसे सीमांकित पॉइंट है जिसे नियंत्रण रेखा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये नियंत्रण रेखा रेखा केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के मुहाने पर है। समुद्र तल से लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस 76 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में औसतन बर्फबारी लगभग 35 फुट होती है। यहाँ तापमान ने 0 से -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इलाका ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की नजर से बच गया था। बाद में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रयासों से सियाचिन और नुब्रा घाटी दुनिया के नक्शे में दिखाई पड़ा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार की ओर से सन 1947 में जम्मू और कश्मीर रियासत के भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते से संतुष्ट नहीं था क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। सन 1947-48 में कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर एक युद्ध विराम रेखा खींच दी गई। इस रेखा पर, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाने लगा, नक्शे पर उस बिंदु तक आपसी सहमति बनी जिसे NJ9842 कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सियाचिन ग्लेशियर पर किसका नियंत्रण होगा जो उस बिंदु से थोड़ा आगे था। संयुक्त राष्ट्र ने शायद यह मान लिया होगा कि उस क्षेत्र को लेकर कोई संघर्ष नहीं होगा क्योंकि वहां के मौसम हालात बहुत ही मुश्किल थे। इसी तरह सन 1949 में हुए कराची समझौते में भी सियाचिन का कोई जिक्र नहीं आया। तभी से भारत दावा करता रहा है कि युद्ध विराम रेखा उत्तर में हिमनद की ओर से गुजरती है। सन 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ चीन की तरफ बढ़ा दिया। चीन की सीमा भी सियाचिन से लगती है। ज्यादा अहम बात यह थी कि पाकिस्तान ने दावा किया कि NJ9842 से निकलने वाली युद्ध विराम रेखा उत्तरी क्षेत्रों की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम में काराकोरम तक आती है, जबकि सन 1949 समझौते में भारत ने यह दावा किया था कि अब युद्ध विराम रेखा उत्तरी क्षेत्रों तक जाती है। ऑपरेशन मेघदूत का पहला चरण मार्च सन 1984 में तब शुरू हुआ जब सैनिकों ने ग्लेशियर के पूर्वी हिस्से में पैदल मार्च किया। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टास्क फोर्स के साथ कुमायूं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट के सैनिकों ने बर्फ से ढके जोजिला दर से होकर मार्च किया। लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना की कमान में हुए इस मार्च के दौरान पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान से गुप्त रखने के लिए रेडियो सेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जिम्मेदारी थी चौथी कुमाऊं रेजिमेंट ने अपने हाथ में ली। ग्लेशियर पर जिस पहली टुकड़ी ने कमान संभाली उसका नेतृत्व मेजर RS संधु ने किया था। कप्तान संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में अगली टुकड़ी ने बिलाफोंट ला पर कब्जा कर तिरंगा लहराया था। भारतीय सैन्य इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। सियाचिन को लेकर हुए संघर्षों में यानी पिछले 38 वर्षों में दोनों देशों को बहुत जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दोनों तरफ कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा फौजी ने अपने जान गंवाए हैं और 5000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे सैनिकों की भी है जो भीषण सर्दी फेफड़ों की बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। कुछ मानसिक समस्याओं से जैसे याददाश्त खोने, गहरे अवसाद और नींद की कमी से पीड़ित हो चुके हैं। कई फौजी भूख कम लगने और अंग छेदन जैसी परेशानियों में भी उलझे हुए हैं। सियाचिन में दोनों देशों को खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। यहाँ कुल मिलाकर एक दिन में लगभग $1 मिलियन रकम खर्च की जाती है। यहाँ पहुँचते पहुँचते एक चपाती की कीमत 80 गुना बढ़ जाती है।
बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कर्नल नरेंद्र कुमार ने कहा था कि सियाचिन में अब तक जितना पैसा खर्च किया जा चुका है उससे हम अपने देशों की आधी आबादी को साफ पानी और बिजली उपलब्ध करा सकते थे। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।